प्रथा तो कुछ ऐसी है कि बप्पा के कान में जब कुछ कहा जाता है ना, खासकर जब वो अपने घर की ओर जा रहे होते हैं, तो वो अपने चाहने वालों के, अपने भक्तों की हर प्रार्थना स्वीकार करते हैं। लेकिन सही मायने में यकीन मानिए, बप्पा को पता है कि हर किसी के मन में क्या है। अब वो भी जानते हैं कि कार्तिक और नायरा को एक होना चाहिए, और शायद यही वजह है कि तीज के मौके पर नायरा ने अपने हाथों में मेहंदी सजाई तो कार्तिक के नाम की। आखिरकार एक बार फिर नायरा के हाथों में कार्तिक का नाम लिखा गया है। एक बार फिर इस मेहंदी के जरिए दोनों की किस्मत ने इन दोनों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल घर में वेदिका के पहले तीज की तैयारी चल रही थी। उसके भी हाथों में कार्तिक के नाम की मेहंदी लग रही थी। कायरव को इन रस्मों से दूर रखने के लिए घर वाले कोशिश कर रहे थे कि उसे उसकी नानी के घर भेज दिया जाए, लेकिन कायरव जाने को तैयार ही नहीं था। और कार्तिक ने भी कह दिया कि कायरव कहीं नहीं जाएगा। मुझे नहीं जाना अपने घर को छोड़ के। आप लोग मुझे क्यों भेज रहे हो? या सुबह चुप, कोई कहीं नहीं जा, आप यहीं पर रुके, बर्दाश्त मत हो। और वंश जाओ मुझे लौके लाओ उसको। बस एक दिन के लिए उसे सिंघानिया हाउस में भेजना है, क्योंकि कावेरी जी ने फ़ोन करके उसे बुलाया है। और एक दूसरी बात भी है कि यहाँ वेदिका की तीज होगी तो उसे बुरा लगेगा, इसीलिए हम सब ये कोशिश कर रहे हैं कि कायरव को बुरा ना लगे। वो रोया ना, बच्चा रो गया कि मैं नहीं जाऊँगा। एक तो ये बहुत टचिंग बात है कि बच्चा इस घर से इतना एकरूप हो गया है कि उसे अब यहाँ से जाना नहीं है। तो वो बोलता है मुझे कहीं नहीं जाना है। तो हमें ऐसा लगता है वो यहाँ रहेगा तो फिर उसे बुरा लगेगा, वो और सवाल पूछेगा, इसलिए उसे नानी माँ के घर भेज रहे। सबको यूँ मेहंदी लगाते देख कायरव ने भी अपनी मम्मा की हाथों में अपने पापा का नाम लिख दिया। अब कायरव को तो ये दोनों कुछ नहीं कह सके, लेकिन कार्तिक ने जरूर अपने दिल की बातें नायरा से कही, उससे कई सवाल किए, अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि आखिरकार ऐसी भी क्या नाराजगी थी जो नायरा ने वापस आने में इतनी देर कर दी। मेरा प्यार, मेरा विश्वास, कुछ नहीं दिखा तुम्हें, कुछ नहीं याद आ। क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद, क्यों पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी नायरा? बताओ बताओ, चुप क्यों हो? पूछ रहा मैं तुमसे कुछ, जवाब तो नायरा। कार्तिक के तो सवालों का जवाब भले ही नायरा के पास ना हो, लेकिन घर में तीज का ये माहौल नायरा को बहुत तकलीफ दे रहा है। और ये तकलीफ कोई और समझे ना समझे, उसकी सासू माँ जरूर समझ रही है। जैसे सारी चीजें चल रही कि नायरा, वेदिका और कार्तिक तीनों घर में हैं अभी, काफी सारे ऐसे सिचुएशंस हो रहे हैं जिसके वजह से, बच्चे की वजह से नायरा और कार्तिक को झूठ मूठ का नाटक करना पड़ रहा है बच्चे के सामने कि हम लोग अभी भी पति पत्नी है, जो वेदिका के सामने हो रहा है। तो बहुत सारा अभी कन्फ्यूजन चल रहा है। नायरा की तकलीफों को और भी दुगना कर दिया है नक्श ने, जो वेदिका के लिए तीज का ये शगुन लेकर आया है, जिस पर अगर देखा जाए तो नायरा का हक है। सिंघानिया ने ही दूसरी बेगम भेजी है कार्तिक के पास, आजकल बहुत लोग हमें ये कह रहे हैं। और हम पीछे हटते नहीं है, तीज के त्योहार पर हम अपना फर्ज निभाने आए हैं। मुश्किलों से घिरी नायरा तीज में खुद को किस तरह संभालेगी ये देखना होगा। पता नहीं नायरा और कार्तिक की ये किस्मत उन्हें कब एक करेगी। मुंबई से सोमा वैद्य और नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़।
आपको रखे आगे।